राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर आजसू कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात दिवस के रूप में विरोध जताया। आजसू के रतिलाल महतो ने बताया कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने जनता से जो वादे किए थे, 2 साल के कार्यकाल पूरे होने के बावजूद भी वादे को भूल गए, जिसको लेकर विश्वासघात दिवस के रूप में उनको जनता से किया हुआ वादा याद दिलाने का काम किया जा रहा है। आज पूरे झारखंड प्रदेश में आजसू पार्टी की तरफ से पूरे झारखंड के जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस के रूप में आजसू पार्टी मना रही है। झारखंड सरकार 2 वर्ष पूर्व पहले अपनी चुनावी वादों में झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वादा किए थे। सबसे पहला नंबर कि झारखंड के रोजगार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। धनबाद पूरे झारखंड में जो CNT एक्ट है उसे मैं लागू करने का काम करूंगा 1932 को। सबसे पहले चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हेमंत ने वादा किया था कि झारखंड OBC को 27% आरक्षण देने का काम करूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक 2 वर्ष हो गया लेकिन आज तक कैबिनेट की बैठक में उन्होंने वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं पहला कैबिनेट की बैठक में यहाँ की मूल समस्या को रखने का काम करूँगा। CNT एक्ट को 1932 को खतियान को मैं लागू करने का काम करूँगा। रोजगार देने का काम प्रत्येक नौजवानों को काम दूंगा, लेकिन आज तक कोई भी नौजवानों को रोजगार देने में असफल रही है। पारा टीचर को उन्होंने आश्वस्त किया था कि मैं पारा टीचर को परमानेंट करने का काम करूंगा, लेकिन फिर अपनी वादों को भूलने का काम किया और सहायक प्रधानाध्यापक सहायक पारा टीचर के रूप में उन लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया। आज सरकार अपनी वादों को भूलते जा रही है और हम लोग हर साल अगले साल भी हमने उनकी वादा को जो किए थे चुनावी वादा हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर बैठकर लोगों को बताने का काम किया कि आपने ये वादा किया है। आज पुनः 2 साल हो गया, आज हम लोग विश्वासघात के रूप में पूरे झारखंड प्रदेश में मना रही है और जनता को बताने का काम कर रही है कि जो वादा किया है अविलंब करें, नहीं तो झारखंड की जनता जाग चुकी है, अब तुम्हारी लोभ लुभानी बातों से नहीं आने वाली है। अगले जब भी चुनाव होगा तो आपको झारखंड की जनता खदेड़ने के काम करेगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि झारखंड अलग राज्यों में सुदेश महतो की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया था और हेमंत को गद्दी पर बिठाया था, मगर गद्दी पर बैठने के बाद हेमंत सरकार जनता से किए कई सारे वादों को भूल गए हैं। देखिए, आपको बताना ये चाहते हैं कि पूरे झारखंड में झारखंड अलग राज्य दिलाने वाला सबसे प्रखर इसको भंजाया है और राजनीतिक दलों ने, जिसमें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन एक है, इसके लड़कों ने जान का कुर्बानी दे करके जेल जा करके झारखंड अलग राज्य दिलाया। उसका सपना था कि यहाँ का शोषित पीड़ित महिला को, युवाओं को, शिक्षा के क्षेत्र में सभी जगह उनको समान अधिकार और काम मिलेगा। ऐसे समय में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का जो पार्टी माननीय सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में एक साइंटिफिक तरीके से अपने झारखंड का विकास करना चाहते थे, यहाँ के लोगों का उत्थान का बात सोचते थे, इसी निमित्त जब गत चुनाव हुआ तो हम लोग उसके विरुद्ध में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। हम लोग बोलना ये चाहते हैं कि ये प्रथम पार्टी है जो बताना ये चाहता है कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में किसी बात की आपने घोषणा की है कि हम 1 साल में इतने लोगों को नौकरी देंगे, बिजली बिल माफ़ कर देंगे, मैंने सुंदर शौचालय और मकान बना करके देंगे, पति पत्नी अलग रूम में रहेगा, बच्चा लोग अलग रहेगा, सास ससुर अलग रहेगा, बात बात कर रहे हैं खेती का ऋण, जो जो कृषक का ऋण माफ़ कर देंगे और युवाओं को नौकरी देंगे, आप धरातल में कहाँ है। तो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने ये सभी लोगों को पूरे राज्य में, सभी जो मुख्यालय में हम लोग बैठ करके पिछले साल भी हम लोग बताए थे कि है हेमंत सरकार, गठबंधन की सरकार, हम लोग ये मान के चल रहे थे कि आप झारखंड के हितकारी हैं, झारखंड के लोगों का बात सोच रहे हैं,
हम लोग चुनाव का हर जीत से कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है। हम आपको स्मरण दिलाने वाला एकमात्र पार्टी आजसू पार्टी है।